अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो काम किया उसके बाद अगला स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। कल हमने गज़वा उहद किया था, आज हम करेंगे गज़वा खंदक। तो सबसे पहले डेट देखें, हमारी डेट का जो आज का काम है 19 मई 2020 मंगल का, हम इस्लामियात का काम देख रहे हैं, सबक नंबर 11 गज़वा खंदक। तो सबसे पहले देखते हैं हमें याद क्या करना है और लिखना क्या है। जो हमें याद करना है वो है सवाल नंबर 1 और 2, और जो हमें लिखना है वो सवाल नंबर 4 और 5। तो याद तो आपको वैसे सारे करने चाहिए, लेकिन आज की डायरी के लिए इतना ही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सवाल नंबर 4 और 5 जो आपको लिखना है, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे सवाल नंबर 1 और 2 जो आपको याद करना है। ऐसे ही आप हेडिंग देंगे सवाल नंबर 4, उसके बाद अपना सवाल लिखेंगे, गज़वा खंदक के 3 नतीजे तहरीर करें, उसके बाद अपने जवाब की हेडिंग देंगे, ये सेंट्रल लाइन को हाईलाइट भी करेंगे, उसके बाद आप नीचे से अपना आंसर स्टार्ट कर देंगे और 2 फिंगर कैप पे आप अपना आंसर लिखेंगे हर वर्ड को। चलिए देखते हैं अब हमारा आंसर सवाल नंबर 4 का कहाँ है बुक पे। तो बच्चा आपको जो पेज नंबर खोलना है, पेज नंबर 48, उस पर नतीज लिखा होगा लास्ट में, उसके 3 नतीज आपने तैयार करने हैं। गज़वा खंदक में मुसलमानों के 6 मुजाहिद शहीद हुए थे, इनमें से 3 कबीले औस और 3 कबीला खजरज में से थे। गज़वा खंदक फैसला कुल लड़ाई साबित हुई क्योंकि सारे अरब ने भरपूर कुव्वत के साथ मुसलमानों पर हमला किया मगर उन्हें नाकामी हुई। तीसरा है, गज़वा खंदक के बाद कुरैश मक्का की ताकत ख़त्म हो गई और मुसलमानों पर हमला करने के काबिल ना रहे। ये था आपका सवाल नंबर 4 का जवाब। अब हमारा है सवाल नंबर 5, मदीना मुनव्वरा के सिर्फ एक तरफ ही खंदक क्यों खोदी गई, कि इसकी लॉजिक क्या थी कि सवाल सिर्फ एक ही तरफ मदीना मुनव्वरा की खंदक खोदी गई थी। तो इसका जवाब हम देखते हैं कि बुक पर कहाँ है। इसके लिए आप खोलेंगे बुक का पेज नंबर, ओपन करेंगे आप बुक का पेज नंबर 47। इसका जवाब यहाँ से शुरू हो रहा है वाक़ियात वाली हेडिंग में, ये यहाँ से जहाँ मेरा पेन है। मदीना मुनव्वरा के 3 अतराफ में संगलाख पहाड़, मकानात और बाग़ात थे, इसलिए शहर इन अतराफ से महफूज था। सिर्फ शुमाली जानिब से दुश्मन के हमले का ख़तरा था, लिहाजा इस तरफ खंदक खोलने का फैसला हुआ। ये थे हमारे सवाल जो आपने लिखने थे, ये जवाब। अब हम देखते हैं हमारे वो कौन कौन से सवाल हैं जो आपने याद करने हैं, वो थे सवाल नंबर 1 और 2। हमारा सवाल है, मिसाक मदीना के ख़िलाफ़ वर्जी करने पर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के किन कबीलों को जिला वतन किया। इसका जवाब मैंने आपको अपनी आपकी बुक पर ही लिखवाया होगा, यहाँ इस क्वेश्चन के टॉप पर बनू कैनका और बनू नुज़ैर। उसके बाद सवाल नंबर 2 था, गज़वे अहज़ाब में खंदक खोलने का मशवरा किस सहाबी ने दिया। तो खंदक खोलने का मशवरा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था। तो ये थे आपका आज की डायरी और आज का काम। ये सवाल नंबर जीम जो है ये मैंने आपको क्रॉस लगवाया हुआ है बुक पर, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमने सवाल नंबर 1 और 2 याद किया और सवाल नंबर 4 और 5 जो है वो हमने लिखा। तो यह आज तक के लिए इतना ही था, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने इसको बिल्कुल इसी राइटिंग पैटर्न के साथ फॉलो करना है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।